वृंदावन के जैत गांव में हाईवे किनारे स्थित विश्व विख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी के सानिध्य में भक्तों द्वारा 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह का यह अनोखा आयोजन किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी नैनी, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात कथावाचक ठाकुर जी, जिनको कि पूरे विश्व में ठाकुर जी के नाम से जाना जाता है, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। आपके द्वारा भगवान श्री राधा कृष्ण की पवित्र ब्रजभूमि में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण और उनके पूजन का आयोजन किया गया है, और यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्यंत चलेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसका भव्य समापन होगा, और इस मध्य आप देश के कोने कोने से आए हुए, बल्कि मैं कहूँ विदेश से भी यहाँ श्रद्धालु आए, उनको भगवान की रसमय कथा श्रवण करा रहे हैं। तो आइए ठाकुर जी से जानते हैं कि ये जो आपने आयोजन रखा है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। देखिए, 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग का जो ये दिव्य आयोजन चल रहा है, इसका एकमात्र एक उद्देश्य तो एक बहुत बड़ा है कि हमारे जो युवा हैं उनमें हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, जो उन्होंने बड़े प्रयासों के लिए हम सबके कल्याण के लिए रखा है, जिससे आज आधुनिकता के ऐसी दौड़ लगी है कि हम लोग अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, तो उन सब के अंदर ये भावना जागृत करना, उन सबको भगवान के भक्त बनाना, उन सबको भगवान के प्रति आसक्त करना, वो आए भगवान की सेवा करें और हमारी संस्कृति को जानें। और आप जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से, रज से बनाए जाते हैं। आज का युवा परफ्यूम छिड़कने वाले हैं, अब ये माटी से पार्थिव बना, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। ब्रजरज का भी स्पर्श हुआ, ब्रजरज नहीं, ये तो हमारा उद्देश्य है, लेकिन युवाओं को जिनको पता नहीं वो क्या जाने ब्रजरज, तो इसलिए ये ध्यान में रखते हुए हम ये कर रहे हैं कि वो समझे उसे और उनमें वो संस्कार जगे, उसको जागने की प्रयास करें, जगाने का। तो अब तक कितना निर्माण हो चुका है 1,51,00,000 में से? 1,40,00,000 बन चुके हैं, अभी तक 2 दिन शेष हैं और बचे हुए जो 11,00,000 हैं वो 2 दिन में बने। अगर बात करें तो कहाँ कहाँ के लोग इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं, जिन्होंने इसमें सहभागिता की है? इस देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ से लोग नहीं आए, विदेशों से भी, अमेरिका से, इंग्लैंड से, दुबई से, बहरीन से, और न जाने कहां कहां से लोग यहां पर आकर ये सेवा कर रहे हैं और हमारे साथ में ये पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छा, परमात्मा की प्रेरणा से ये सुंदर हमें अवसर मिला है, और ठाकुर जी प्रियाकांत सरकार को कोटि कोटि नमन है कि उन्होंने हमें ये अवसर देकर हम ब्रजवासियों को भी शिव की भक्ति करने का एक अवसर दिया। धन्यवाद। तो जिसका समापन जब जन्माष्टमी के दिन होगा, उस दिन क्या खास आयोजन होगा? आपको तो गोसाई जी, आप तो सब जानते हैं कि हमारे प्रियाकांत युग में बड़ा धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव होता है, और आप तो स्वयं उसका लाइव करते हैं, तो सबको बहुत सुंदर एक दिव्य भव्य आयोजन जन्माष्टमी के दिन करेंगे। धन्यवाद। तो सुना, आपने मेरे साथ मौजूद रहे देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, उन्होंने बताया कि भगवान शिव की आराधना करने का ये जो अवसर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को मिला है, क्योंकि एक तो रज और वो भी ब्रज की रज भगवान शंकर के जो आराध्य श्री कृष्ण हैं उनकी पवित्र माटी, और उसके द्वारा जो पार्थिव शिवलिंग बनाने का जो संकल्प लिया था 1,51,00,000, वो इस 41 दिवसीय आयोजन के बीच आज 1,40,00,000 के लगभग यहाँ पहुँच चुका है, और अभी शेष 2 दिन में जैसा ठाकुर जी ने बताया कि 10,00,000 शिवलिंग, यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए वो उसको पूर्ण करेंगे। और इसके मध्य में आपने सुना कि ठाकुर जी द्वारा बड़े मधुर भगवान के प्रसंगों का यहाँ गुणगान किया जा रहा है, आज गिरिराज महाराज की पूजा की गई, और इस दौरान जो सम्मिलित हुए यहाँ श्रद्धालु उनके द्वारा पार्थिव शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। और आप देखिए मंच पर जो हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में जो 12 शिवलिंग हैं उनका भी बड़ा सुंदर यहाँ पर दर्शन कराए गए हैं, तो यहाँ आने वाला हर कोई व्यक्ति अपने आप को इन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो रहा है, क्योंकि ब्रज में एक ऐसा अनूठा और अद्वितीय यह आयोजन ठाकुर जी द्वारा यहाँ किया जाता है। गत वर्ष भी किया गया था, इस वर्ष भी किया गया है, और यहाँ मेरे साथ इस पूरे आयोजन की जो व्यवस्था संभाल रहे हैं विजय शर्मा जी, जो इस पूरे आयोजन को इतना दिव्य और भव्य रूप दिया, आइए उनसे जानें कि कैसे है ये सब जो आयोजन है उसको इस मुकाम तक पहुंचाया, क्योंकि बरसात का मौसम है और इतना बड़े लोगों की व्यवस्था करना और इस आयोजन को सफल बनाना वाकई में बहुत एक, मैं इसको कहूँगा, अद्वितीय काम रहा, लेकिन पूरी तरह से 41 दिन तक ये आयोजन यहाँ रहा। तो आइए हम जानेंगे जो
यहाँ के जो सचिव हैं विजय शर्मा जी, विजय शर्मा जी, ये जो आयोजन यहाँ किया गया है तो 41 दिन में लगभग कितने श्रद्धालु अब तक यहाँ आपके यहाँ सम्मिलित हो चुके हैं? देखिए इस आयोजन में क्योंकि ये आयोजन 8 जुलाई से शुरू हुआ, गुरु पूर्णिमा भी इसमें आई है, जन्माष्टमी भी अभी इसमें आएगी और भी बीच में कई सोमवार पड़े हैं, तो लगभग 10 से 11 लाख से अधिक लोग इसमें, कोई एक दिन के लिए आया, कोई एक घंटे के लिए आया है, कोई यहाँ पर 5 दिन के लिए आया, कोई एक सत्र के लिए आया है, 4 सत्रों में इस कार्यक्रम को रखा गया था, तो उस तरीके से यहाँ पर 10 से 11 लाख लोग अब तक यहाँ आ चुके हैं और अपनी अपनी सेवा यहाँ पर दे चुके हैं और पार्थिव शिवलिंग में बनाकर अभिषेक कर पूजन कर अर्चन वंदन, पूज्य महाराज जी ने जो इतना सुंदर ये अनुष्ठान किया है, जो जाते हैं बड़ी प्रसन्नता होती है, जब वो प्रसन्न होकर जा रहे हैं वो बता के जा रहे हैं कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि ब्रज में हम कभी भी ऐसे पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और ऐसी पार्थिव शिवलिंग बनाई जाती है, अभिषेक किया जाता है, तो वो बड़ा अद्भुत है और बहुत अच्छा लगता है जब लोग यहाँ प्रसन्न होकर और ऐसी पूजा अर्चना करके जाते हैं। देखा शर्मा जी ने बताया कि पार्थिव शिवलिंग में अब तक लगभग 11 लोग इसमें शामिल हो चुके हैं और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाया और आपने देखा किस तरह से यहाँ कथा श्रवण भी कर रहे हैं और बैठे बैठे भगवान का नाम स्मरण करते हुए पार्थिव शिवलिंग यहाँ बनाए जा रहे हैं। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितने सुंदर है ये देखने में शिवलिंग और आप इसमें बीच में एक बड़े शिवलिंग यहाँ विराजमान है और छोटे छोटे शिवलिंग, तो ये यहाँ जो श्रद्धालु आप देख रहे हैं जिन्होंने जो बनाए उनको एकत्रित किया जाता है और इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना और अनुष्ठान किया जाता है और उसके बाद फिर इन्हें विधिवत रूप से यमुना जी में जाकर विसर्जित किया जाता है। तो ये पार्थिव शिवलिंग की ये जो आराधना है अपने आप में विशेष महत्व रखती है और मैं तो कहूँगा कि जिन 11 लाख लोगों ने आकर यहाँ इसमें अपना सहयोग दिया और इसमें एक साक्षी बने, निश्चित ही वो भगवान की कृपा के पात्र रहे हैं और ऐसा अद्भुत अनुष्ठान जो ब्रज भूमि में कृष्ण की भूमि में यहाँ संपन्न हो रहा है, 2 दिन शेष हैं और फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सन, जैसा ठाकुर जी ने बताया कि जन्माष्टमी के दिन 19 अगस्त को भव्य आयोजन होगा और समूचा ब्रज जब जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की स्वरों से गूंज रहा होगा उस दिन भी यहाँ भव्य आयोजन होंगे। और जैसा कल आपने देखा कि इस भक्तिमय वातावरण के बीच में देशभक्ति के भी यहाँ आयोजन किए गए और यहाँ से बहुत सुंदर और एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री भी, इसमें प्रजापति जी भी सम्मिलित हुए, तो कुल मिलाकर एक ऐसा संगम यहाँ बना दिया कि यहाँ भक्ति के साथ और शक्ति भी हुई है। और देखिए ये बार बार मेरा ध्यान जो इस तरफ जा रहा है कि पार्थिव शिवलिंग के बड़े सुंदर सुंदर जो स्वरूप यहाँ बनाए गए हैं, इसमें देखिए नंदी महाराज हैं, गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय जी भी हैं और भगवान शिव का शिवलिंग है और ये सब जो आपको रंग बिरंगे जरूर दिख रहे होंगे लेकिन ये पार्थिव शिवलिंग है और इनमें रंग लगाकर जैसे बेलपत्र है तो हरा रंग लगाया और कितने सुंदर कलात्मक ढंग से इनको बनाया गया है। निश्चित ही ये जो आयोजन का जो उद्देश्य था और ठाकुर जी ने बताया कि लोगों को शिव जी की कृपा प्राप्त हो और शिव भक्ति में जुड़ें और खासकर जो युवा अपनी संस्कृति और धर्म से जो भटक रहे हैं उनको जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन किए गए। और देखिए ये रुद्राक्ष शिवलिंग बनाया गया है जिसमें हजारों की संख्या में रुद्राक्ष हैं, तो अलग अलग आकृतियों में अलग अलग स्वरूप में शिवलिंग यहाँ दर्शनीय है, लोग आ रहे हैं कथा श्रवण कर रहे हैं और ये बड़े सुंदर भगवान शिव के जो मनोहारी दर्शन हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग के उनके भी यहाँ दर्शन हो रहे हैं, तो कहीं पंचमुखी महादेव के दर्शन हैं तो कहीं रुद्राक्ष के दर्शन हैं। ये देखिए बड़ा सुंदर शिवलिंग है, ये भी यहाँ बनाया गया है और इसमें एक अलौकिक दर्शन छवि है और इसमें विश्व के जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं। और देखिए भगवान शिव का एक और अद्भुत रूप यहाँ देखने को मिल रहा है, तो आप देख रहे हैं ये सब जिस तरह से यहाँ वृंदावन के निकट मेरो ब्रज नामक एक यहाँ ग्राम की स्थापना की और उस ग्राम में ये शिव पूरा पूजा का एक अद्भुत आनंद यहाँ लिया गया है क्योंकि श्रावण मास पूरे 30 दिन यहाँ पार्थिव शिवलिंग बनाए गए, शिव जी का सबसे प्रिय मास है और जो श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का आयोजन हुआ और फिर भादो मास में जन्माष्टमी पर्यंत यहाँ ये कार्यक्रम चला है, भगवत कथा का भी हुआ, तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि हमारे ब्रज के भीतर मेरो ब्रज नामक जो एक यहाँ ब्रज गांव स्थापित किया उसमें बड़ा ही दिव्य और भव्य आयोजन ठाकुर श्री देवकी नंदन महाराज द्वारा किया गया और इसमें भक्तों ने आकर दिव्य आनंद लिया।
जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन संदीप कुमार वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी मथुरा।